फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बैंगन आलू की मसालेदार सब्जी। ये काफ़ी कॉमन सी सब्जी है, लेकिन टेस्टी बहुत बनती है। इसके लिए मैंने लिए हैं ये 250 ग्राम बैंगन। मैंने बैंगन को इस तरह से पीसेस में काट लिया है और मैंने एक आलू लिया है, थोड़ा मीडियम से थोड़ा बड़े साइज का लिया है, उसे भी इसी तरह के पीसेस में काट लिया है। और दोनों चीज़ों को मैंने पानी में डाल के रखा है, जिससे कि ये जो ब्राउन कलर के हो जाते हैं वो ना हो। तो जब भी आप बैंगन या आलू काटते तो उसे पानी में डाल के रखें, जिससे उनका कलर चेंज ना हो। आइए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कुकर में सबसे पहले ऑयल ऐड कर लेंगे। मैंने ये 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेंगे। आज मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। ये मैंने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है और 1/4 टीस्पून मेथी दाने लिए हैं। इसमें डाल देंगे इसे। थोड़ा सा इसे तड़क जाने दें, उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। एक मैंने छोटे साइज की प्याज ली है, उसे इस तरह से लंबाई में काट लिया है। इसे ऐड कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे। ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, इसे डाल देंगे। और साथ ही में इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इसमें डाल देंगे इसे। टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा ही डाले जाते हैं इसमें टमाटर, जब ये बैंगन आलू की सब्जी टेस्टी लगती है। अगर बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देंगे। ये सब चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लें और हमें इतना पकाना है कि थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो जाए और ये मसाला भी भुन जाए। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लें, जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाए। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बाकी तो ये सब्जी के साथ पक ही जाएंगे। थोड़े हल्के से सॉफ्ट करना है, ये इतना ही हमें पकाना था। ये मसाला भुन चुका है, इसमें अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम आलू ऐड कर रहे हैं। और साथ ही में हरी मिर्च, ये मैंने 3 हरी मिर्च ली है, उसे ऐड कर दिया है। आप अगर कम स्पाइसी खाते हैं या ज़्यादा तो मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। थोड़ी देर आलू के साथ मसाले को भून लें। ये देखिए आलू को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया मैंने। अब इसमें जो बैंगन लिए थे उसे भी ऐड कर देंगे। और सबको अच्छे से मिक्स कर दें। ये बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है, टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती है। इस तरह से सबको मिक्स कर दें।
देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। ये सब्जी बिल्कुल भुनी हुई सी रहती है, एकदम ड्राई। देखिए बस इतना ही पानी डालना है। अब इसे कवर कर देंगे। इसे हमें एक सीटी देना है। एक सीटी देने के बाद इसी की स्टीम में इसे रखा रहने देंगे। जब एक सीटी आ जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। ये देखिए इसे मैंने एक सीटी दे ली थी और इसके स्टीम में रखा रहने दिया था। इसे फिर से देख लेते हैं। इसमें हल्का सा पानी है, उसे ड्राई कर लेंगे। और ये बैंगन है, इसे मैश कर लेंगे थोड़ा। बहुत ज्यादा मैश ना करें, हल्का सा करें। और अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रखें। मैश नहीं, बहुत से लोगों को मैश पसंद होते हैं और बहुत से लोग इसी तरह से पसंद करते हैं बिना मैश किए हुए। आलू की तरह इसमें जिस तरह से पतले दिखते रहते हैं वैसे ही दिखते रहे, बहुत से लोग इस तरह से पसंद करते हैं। लेकिन मैं इसे हल्का सा मैश करूँगी और थोड़ा ड्राई कर ले रही हूँ। ये देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है, बस इतना ही करना है अभी। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, करीब हाफ टी स्पून तक। इसे मिक्स कर दें। और बारीक चॉप हरा धनिया, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बैंगन आलू की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में और टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। तो आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ पसंद करते हो उसके साथ इसे खाएं। और देखते रहें मेरे चैनल को। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इंजॉय करें। बैंगन आलू की मसालेदार सब्जी। थैंक यू।